प्रदेश के 25 जिलों में अपने पैर पसार चुका है कोरोना वायरस। यहां पर पॉजिटिव की संख्या 1034 तक पहुंच गई है। राजस्थान में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले राजधानी जयपुर से सामने आ रहे हैं। कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। चुनौती है सरकार के सामने। 468 पॉजिटिव केस राजधानी जयपुर से आए दिन आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रत्येक 3 घंटे के अंदर यहां पर कोरोना के संक्रमित लोगों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा केसेस यहां पर राजधानी जयपुर से सामने आ रहे हैं। चिंतनीय यकीनन ये विषय बन चुका है पूरे प्रदेश भर के लिए। अब देखना यह है कि किस प्रकार से यहां पर रणनीति तय की जाती है। चूंकि काफी ज्यादा गंभीर सूबे के मुखिया पहले से ही शुरुआती दिनों से ही इस पूरे मामले को लेकर बने हुए हैं। लगातार यहां पर अधिकारियों की मॉनिटरिंग खुद की जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी ज्यादा सीरियस है और गंभीर है अपनी जनता के प्रति, लेकिन राजधानी जयपुर अब चुनौती बन चुका है। 468 केसेस यहां पर सामने आ गए हैं। हर 3 घंटे हर 4 घंटे के भीतर यहां पर केसेस में बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। हालांकि यकीन इसमें एक राहत की खबर यह भी है कि इसमें से कई मरीज ठीक होकर अभी तक अपने घर पर जा चुके हैं, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन राजधानी जयपुर की फिलहाल जो हालत है वो सरकार के सामने एक चुनौती है। प्रदेश भर से यहां पर नए नए केसेस आए दिन सामने आ रहे हैं। राजधानी जयपुर का जो रामगंज का इलाका है वो कोरोना का ब्लास्ट, यहां पर कोरोना का विस्फोटक क्षेत्र माना गया है। पूरे इलाके को, पूरे परकोटे को इसके तहत सीज कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों को यहां पर चिन्हित किया गया। चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ यहां पर दिन रात कार्य कर रहा है। पुलिसकर्मी और चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ के जज्बे को यहां पर सलाम पूरा प्रदेश कर रहा है। शुरुआती दिनों की अगर बात की जाए तो भीलवाड़ा वो क्षेत्र था जहां पर काफी चिंताजनक स्थिति थी, लेकिन यहां पर भीलवाड़ा का जो आदर्श मॉडल है उसको अपनाकर भीलवाड़ा के मामले को शांत किया गया। उसी के तहत अब राजधानी जयपुर को लेकर भी यहां पर नई रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि क्षेत्रफल और जो जनसंख्या है उसके हिसाब से भीलवाड़ा और जयपुर काफी अलग है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए जोधपुर से एवन संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजपुरोहित मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, जोधपुर का क्या अपडेट है फिलहाल कोरोना को लेकर? जी, जोधपुर की यदि बात करें तो जोधपुर के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जोधपुर में सबसे बड़ी बात कि अब जोधपुर 100 का आंकड़ा पार कर चुका है। स्थानीय जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर 102 कोरोना के मरीज पूरे सामने आ चुके हैं। जी सत्येंद्र, चूंकि कल यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के संबोधन को हम सभी ने सुना तो उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल को यहाँ पर स्थिति को देखते हुए स्थिति ऐसी जहां पर कम यहाँ पर पॉजिटिव मरीज है उनको चिन्हित किया जाएगा। जोधपुर के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये रियायत दी जा सकती है 20 अप्रैल के बाद? फिलहाल यदि बात करें जोधपुर शहर की तो जोधपुर शहर के अंदर रियायतों के जो है वो चांस कम नजर आ रहा है, क्योंकि जोधपुर जो भीतरी शहर है उसके अंदर पूर्णतया कर्फ्यू लगाया गया है। और जयपुर के बाद यदि बात करें तो जोधपुर के अंदर ही सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। वही जोधपुर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर कहीं ना कहीं अपन कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री द्वारा बात कही गई है उसका फायदा मिल सकता है। जहां प्रधानमंत्री द्वारा आज एडवाइजरी जारी की गई उसके अंदर जो किसान है उनको काफी तरह रियायतें दी जाएगी, उनके वाहनों को भी रियायतें दी जाएगी। जी सत्येंद्र, एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी। जिस प्रकार से जोधपुर की जनता है अपने अपने घरों में लॉकडाउन है, लोगों के सब्र का यहाँ पर इम्तिहान लिया जा रहा है, लेकिन ये भी उनके लिए सबसे आवश्यक चीज है कि अपने घरों में रहे, क्योंकि इस चीज का अगर कोई इलाज फिलहाल है तो वो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग ही है। इसी बीच लोगों की जो आवश्यक सुविधाएं हैं और मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए किस प्रकार से जोधपुर प्रशासन कार्य कर रहा है? जी बिल्कुल, यदि बात करें जोधपुर प्रशासन द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया था, लेकिन वही ना वहां पर भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनके अंदर जागरूकता का अभाव नजर आ रहा है। वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका स्पष्ट तौर पर उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। वही प्रशासन पूरी तौर से उन लोगों को समझाने में लगा हुआ है, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता की कमी इस वक्त स्पष्ट रूप से देखने को जा रही है। वही यदि जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो महिलाओं के खातों के अंदर 500 रुपए डाले गए थे, जनधन खाते धारक जो महिलाएं थी, लेकिन उनके अंदर एक अलग सा माहौल बना हुआ है। लोगों के अंदर एक भ्रांति फैली हुई है कि वो पैसे कई लॉकडाउन के दौरान वापिस नहीं सरकार ले ले, तो इसके कारण जो बैंक है उनके आगे महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। और वहाँ स्पष्ट तौर से जो लॉकडाउन है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका उल्लंघन होते हुए स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। और ये कहीं ना कहीं सरकार की और जो प्रशासन की लापरवाही है वो जनता पर भारी ना पड़े, इसलिए सरकार को विशेष तौर से प्रयास करने की आवश्यकता नजर आ रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सत्येंद्र। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।